एसपी डॉक्टर एमपी सिंह ने रामगढ़ताल थाना क्षेत्र देवरिया बाईपास स्थित एक निजी स्कूल में बच्चों को सड़क सुरक्षा के संबंध में यातायात के बारे में पाठ पढ़ाया। इस दौरान एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह ने बच्चों को यातायात नियमों के बारे में बताया कि स्कूल में सेफ्टी कैसे की जाए व बस में सेफ्टी कैसे किया जाए। इसके अलावा ITMS के बारे में बताया गया कि यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर कैमरे के द्वारा आते वाहन का चालान कर दिया जाता है, इसलिए वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें व रेड सिग्नल होने पर वाहन को रोक दें तथा हरा सिग्नल होने पर वाहन को चलाएं। उन्होंने कहा कि अपने फ्रेंड, रिश्तेदार, आसपास के लोगों को यातायात नियमों के बारे में बताएं और उनसे कहें कि वह यातायात नियमों का पालन करें ताकि अपने जनपद को जाम से मुक्ति दिला सकें। इस अवसर पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर मनोज कुमार राय सहित अन्य ट्रैफिक पुलिस मौजूद रहे। तो आपके पेरेंट्स ये समझते हैं कि दिस स्कूल इज वेरी सेफ, इन्हें किसी भी अच्छा स्कूल ढूंढते हैं, अच्छा आने जाने का साधन ढूंढते हैं, तो उस सब में जो विद्यालय करता है, जो स्कूल करता है, दैट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट, योर ट्रांसपोर्ट इंचार्ज, योर सिक्योरिटी इंचार्ज, दे आर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ द चिल्ड्रन, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल। सो इट इज नॉट ओनली द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल, इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर गार्जियंस, योर सेल्फ आर वेरी मच रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ योर सेल्फ। हम खुद अपनी सुरक्षा के लिए भी उतने ही जिम्मेदार हैं। जो इस बिल्डिंग के मालिक हैं, जो मैनेजमेंट है, जो आपका बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है, उनका क्या रोल है? अभी बच्चे हमारे सामने हैं, तो हम बच्चों की चीज से बात कर रहे हैं कि बच्चों का क्या रोल है? बच्चे जब घर से निकले हैं, आपकी बच्चों के टीचर साथ में आते हैं, यस सर, उसको प्रमोशन बोलना हो तो बोल दीजिएगा। ये नहीं कैन फॉरवर्ड हिज विजन। आप लोग अपना असंतोष या अस्वीकृति या जहाँ पे आप डिसएग्री हो, तो आप उस बात को मुझे बता सकते हैं। मेरे आने का पर्पज यही है नहीं, तो टीचर आते हैं ना साथ में, बस में नहीं आते हैं, नहीं आते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि आए, हमारा पर्पज यही है, उसी बात को हम नोट कर रहे हैं कि आए, टीचर्स को साथ में आना चाहिए। और आप लोगों का काम यह है कि जैसे आप घर से निकले तो ड्राइवर को अपने पार्क करना चाहिए किनारे पर। अगर ड्राइवर किनारे पर पार्क नहीं कर रहा है, बीच रोड पर पार्क कर रहा है, तब तो आने जाने वाले ट्रैफिक को भी असुविधा हो रही है, आने जाने वाले लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। हिंदी समझ में आती है ना, हिंदी फॉलो कर रहे हैं ना, आप सुविधा समझ में आ रहा है? मिनिमम इंफॉर्मेशन टू जनरल पब्लिक होनी चाहिए स्कूल क्लास में। तो ड्राइवर अगर मान लो बीच में खड़ा है, तो आप लोग तो बहुत ज़्यादा है, आप तो रोक सकते हैं, ज़्यादा से मतलब नहीं, आपको कोई लड़ाई नहीं करती है, आप ड्राइवर को बोल सकती हूँ भैया किनारे लगाइए, और लोगों को परेशानी हो रही है। तो कायदे में आप लोगों को लेफ्ट से करना है, रोड लेफ्ट में होती है तो बस को लेफ्ट चार्ज होना चाहिए, लेफ्ट में इतना मार्जिन होना चाहिए कि अब हो सकता है लेफ्ट साइड में नाली हो, नाली के ऊपर टक्कर ना हो, नाली ढकी ना हो, आप लोग जल्दी में निकले घर से, ये तो आपको टाइम से निकलना है ताकि लेट ना हो, लेट होने तो ढोकर खाते गिर सकते हैं, आपका बस चलने को आप गिर जाएंगे, गिर जाएंगे तो शुरू कर जाएंगे। तो आपको और आपके पेरेंट्स को भी सावधानी रखनी है, यहाँ पर ये आपका रोल शुरू होता है कि आप बस में सेफली चढ़ें, चढ़ने के बाद आप खड़े हो सकता है, तो जब तक बस प्रॉपर रुक ना जाए तब तक आपको नीचे नहीं उतारना है। स्कूल में जब आप रहते हैं तो स्कूल में भी आपको प्रिकॉशन रखनी है, रहता है ना, रहना चाहिए विद्यालय में, टॉयलेट के पास ड्यूटी होनी चाहिए ताकि कोई भी बच्चा अपने आप को अनसेफ महसूस ना करे, और जिसकी ड्यूटी लगी उसका प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, ही मस्ट बी वेरीफाइड अबाउट हिज एंटीसीडेंट्स, दैट व्हाट हैड ही डन इन हिज पास्ट लाइफ। स्कूल में हम आप लोग ये पूछेंगे पुलिस के बारे में आप क्या चाहते हैं, पुलिस को कैसा होना चाहिए, पुलिस को कैसा होना चाहिए, जो पुलिस कैसी है, आपका खुद का परिवर्तन क्या है, क्या आप पुलिस को गलत मानते हैं, क्या आप अच्छा मानते हैं, सही
सिग्नल क्या लगी होती है सर, बगल में एक रेड लाइट होती है, सर एक रेड बटन होता है, तो वो इसलिए होता है।